हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार का बनता है। चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स पराठा। ड्राई फ्रूट्स पराठा बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स है और यह घी, शक्कर, आटा है, गेहूं का आटा है। मैंने गेहूं के आटे में थोड़ा नमक और शक्कर, एक अंडा डाल के अच्छे से आटा गूंद के रख ली हूँ। यह है ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, इसको मैंने घी में अच्छे से भून लिया है। ये सब चीज़ें चाहिए हमें पराठा बनाने के लिए। तवा गरम हो चुका है। यह है ड्राई फ्रूट्स, एक आटे की लोई लेंगे, थोड़ा इसको घी लगा के बेल लेना है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार का बनता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना है रेसिपी को, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ये देखिए, इसको थोड़ा आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लेते हैं। मैं आपको बेलते हुए नहीं बता सकती क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल होता है, इसलिए। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स, अच्छे से इसको घी में रोस्ट कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे, मैंने ड्राई फ्रूट्स सारे इसमें डाल दिया है। अब डालेंगे इसके ऊपर थोड़ी शक्कर, आप जितना चाहे ड्राई फ्रूट्स भर भर के डाल सकते हैं इसमें, जितना डालेंगे उतना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप डालते हैं इसमें शक्कर ऊपर से, बहुत ही मज़े का बनता है ये पराठा। बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बहुत ही हेल्दी पराठा है ये। आप ये रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करना और नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसको अच्छे से सब मैंने चीज़ें डाल दी हैं, ऊपर से डालेंगे घी। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं किनारों को। ये देखिए अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अब इसको बेल लेते हैं थोड़ा आटा लगा के। ये देखिए इस तरह से अच्छे से पैक हो गया है। अब थोड़ा आटा डस्ट करेंगे। अब इसको बेल लेते हैं पराठे को, राउंड शेप का बेलना है हमें। ये देखिए इस तरह से, आप जितना बड़ा बेलना चाहते हैं बेल सकते हैं, आप आपकी चॉइस है। डाल देंगे पराठे को तवे पर। अच्छे से सीख जाने के बाद इसको पलट लेंगे। ये देखिए नीचे से अच्छे से सीख गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से कलर बहुत अच्छा है पराठे का और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ऊपर से थोड़ा घी डालेंगे, जितना आप घी डालेंगे उतना अच्छा बनता है पराठा। आप घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, आप चाहे तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, मगर घी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल से भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं पलट ली हूँ, अब अच्छे से इसको सेक लेंगे। आप चाहे तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं पराठे को। ये देखिए इसको अच्छे से सेक लेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा इसको घी निकालेंगे थोड़ा। अब मैं प्लेटिंग कर ली हूँ, ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ऊपर से थोड़ी शक्कर डालना है, फिर से थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ऊपर से थोड़ा घी डालेंगे। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है ड्राई फ्रूट्स पराठा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।